आपका फेवरेट साइंटिस्ट कौन है? आइंस्टाइन, न्यूटन या कोई विदेशी साइंटिस्ट? और आपका फेवरेट इंडियन साइंटिस्ट कौन है? और इंडिया में साइंस इतना डेवलप कहाँ है? अगर गूगल बाबा से पूछे कि रेडियो किसने इन्वेंट किया, जवाब मिलता है गैलीलियो मार्कोनी। नाम ही इतना डेंजर है कि इसको याद करने में टेंशन हो जाती है। 1986 में इन्होंने एक रेडियो मैसेज एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला। लेकिन सच तो यह है कि मार्कोनी से कुछ साल पहले ही रेडियो वेव का सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेशन हो चुका था, लेकिन इन्हें कभी क्रेडिट नहीं मिला। सिर्फ रेडियो ही नहीं, मिलीमीटर वेव जो 5G टेक्नोलॉजी को पॉसिबल बनाती है, उस टेक्नोलॉजी को भी इस साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। इस साइंटिस्ट का नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बोस, द फादर ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन। तो दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम है अजय और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं हमारे यूट्यूब चैनल मार्कंडेय ब्लॉग अजय। हमारे ऐसे हेल्दी नॉलेज के लिए हमारे भी चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हमारे कहानी की शुरुआत होती है 19 सेंचुरी से, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था और हमारे उस समय हमारे देश के अमीर लोगों में एक ट्रेंड चल रहा था अपने अंग्रेज बनने का, अपने बच्चों को सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाने का। उस जमाने के इंग्लिश मीडियम स्कूल सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही नहीं सिखाते थे, इंग्लिश कल्चर कैसे महान है ये भी सिखाते थे। शुरुआत में बोस का भी झुकाव अंग्रेजी कल्चर की तरफ गया, लेकिन उनके पिताजी ने उनको एक बंगाली स्कूल में एडमिशन कराया। उनकी जिद थी कि बोस पहले अपनी जड़ को मजबूत करें और फिर दुनिया के बारे में सीखें। दोस्तों बोस के पिताजी भी एक डॉक्टर थे और मेडिकल की ही पढ़ाई के लिए बोस को भी लंदन भेजा गया, लेकिन मेडिकल फील्ड में उनका मन नहीं लगा। उन्होंने मेडिकल छोड़कर फिजिक्स को अपनाया और यहीं से शुरुआत होती है बोस के द ग्रेट साइंटिस्ट बनने की कहानी। बोस अगर चाहते तो इंग्लैंड में रह सकते थे, लेकिन एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वो भारत वापस आए, भारत के स्टूडेंट को फिजिक्स सिखाने के लिए, और वो भी सिर्फ 100 रुपये की मंथली सैलरी में। उसमें अंग्रेज टीचर को जितनी सैलरी दी जाती थी उससे आधे से भी कम सैलरी इंडियन टीचर को दी जाती थी। छोटा सा रिसर्च के फंड नहीं मिलता था और काम करने के लिए छोटा सा कमरा। इसके बाद इस सिचुएशन में भी हमारे जो बॉस थे उनके आविष्कार ने दुनिया बदल दी। ऐसी लाइट जो हमारी आंखें नहीं देख सकती, लेकिन वो दीवारों के आसपास जा सकती है और वो कम्युनिकेशन के इस्तेमाल हो सकती है। इसका पहला डेमो और कहीं नहीं हुआ, हमारे भारत में हुआ। और वही आविष्कार आधार था आज के रिमोट कंट्रोल, वाईफाई, रेडियो कम्युनिकेशन, इवन 5G टेक्नोलॉजी का भी। और सबसे मजेदार बात यह है कि मार्कोनी ने बोस के ही आविष्कार को यूज करके रेडियो बनाया और तुरंत उस पर अपना पेटेंट करवा लिया, जबकि बोस चाहते थे कि साइंस सबके लिए होनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने पेटेंट रजिस्टर नहीं करवाया। वो चाहते थे कि उनके आविष्कार और बेहतर टेक्नोलॉजी बनाने के लिए यूज हो। उन्हें विश्वास था भले ही उन्हें इकोनॉमिकली लॉस हो, लेकिन साइंस को प्रॉफिट होगा। वो अपने सारी एक्सपेरिमेंट को बच्चों के सामने क्लास में ओपनली दिखाते थे, ना जाने कब कोई साइंस से प्यार कर बैठे। बोस दुनिया के पहले ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा हमारी तरह प्लांट्स भी फील करते हैं, जैसे हमें खुशी होती है, दुख होता है, इमोशंस होते हैं, वैसे इन पेड़ पौधों का भी होता है। उन्होंने अपने इस क्लेम को प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए, जिसमें से ये एक्सपेरिमेंट मेरा फेवरेट है। उन्होंने अपनी लैब को दो हिस्सों में बांट दिया और दोनों हिस्सों में हेल्थी प्लांट्स रख दिए। वो हर सुबह अपने लैब के पहले हिस्से में जाते, अपने पौधों को कोसते, उन्हें गालियाँ देते, उन्हें पॉइंट आउट करते, और दूसरे हिस्से में क्लासिकल म्यूजिक चलाते, उससे बातें करते और पौधे को प्रोत्साहित करते। और दोस्तों सरप्राइज हुआ, पहले हिस्से के पौधे मुरझाने लगे और दूसरे हिस्से के पौधे बहुत तेज़ी से ग्रो करने लगे। उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया जिससे पता चलता था पौधे और जानवर जितने हमें लगते हैं उतने डिफरेंट नहीं है, पौधे हमारी सब बातें समझते हैं और एक दूसरे से बातें करते हैं। ये प्रूव्ड फैक्ट है। एक जंगल में पेड़ अपनी जड़ों के नेटवर्क के द्वारा एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं, बड़े पौधे छोटे पौधों के साथ अपने न्यूट्रिशन शेयर करते हैं, कभी किसी बीमारी के अटैक होने पर पास के पेड़ को वार्न भी करते हैं। दोस्तों इस नेटवर्क को वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। आज एक क्रेडिट किसे भी मिले, लेकिन मुझे आज गर्व होता है। जब दुनिया ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जानती भी नहीं थी, तब भारत में एक साइंटिस्ट प्रूव कर रहा था कि प्लांट्स फील करते हैं। ये दुनिया जितनी हमारी है उतनी उनकी भी है। रेडियो वायरलेस कम्युनिकेशन का क्रेडिट किसे भी मिले, ये बताने में गर्व होता है कि आज की ये टेक्नोलॉजी बोस जैसे कई लोगों की वजह से है। दोस्तों बोस की कहानी यूथ तक पहुंचाने में हमारी हेल्प कीजिए, और ऐसे किस शख्स की कहानी आप हमसे सुनना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्योंकि मॉडर्न दुनिया के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट की जब बात की जाती है तब आइंस्टाइन, न्यूटन और टेस्ला का नाम आता है। आना भी चाहिए, इससे मुझे कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे गर्व होता है कि भारत में आचार्य बोस जैसे लोग थे जो पेटेंट नहीं इन्वेंशन में विश्वास रखते थे, जो नॉलेज को सीक्रेट नहीं ओपन करने में विश्वास रखते थे, जो क्रेडिट में नहीं साइंस में विश्वास करते थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस करें, साथ में अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें। आने वाली वीडियो के नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें फर्क पड़ता है। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, जय हिंद दोस्तों।